हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। साला दर्पण पर बड़ी अपडेट है, जो 70 है 24 25 उसके लिए नंबर छड़ना अपडेट होना चालू हो गए हैं। आप अब सभी विद्यार्थियों के रोल नंबर आवंटन कर और प्रथम टेस्ट के नंबर छड़ा सकते हो। ठीक है, तो किस प्रकार भरे जाएंगे, किस प्रकार आवंटन होंगे, तो इस पर इस वीडियो में बता रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई क्या क्या दिक्कत हो सकती है तो वो भी बता रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले आपको अपना साला दर्पण खोल के सबसे पहले तो रोल नंबर आवंटन करना है। तो विद्यार्थी ऑप्शन में जाके इसमें ऑप्शन आता है, देखो रोल नंबर आवंटन, इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे अब आप सेशन देख सकते हो। अपना सेशन इसमें 24 25 है तो सिलेक्ट कर लिया, सभी कक्षा आ जाएगी। जैसे 8 है तो 8 और ए करके 100 पे कर देना। जैसे ही आप 100 पे क्लिक करोगे सभी के नाम आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इनमें रोल नंबर आवंटन कर देना। जैसे अभी 801 है, 802 है ना, 803 है, 804 है, ऐसे जो भी आप सीरीज नंबर लेना चाहो वो कर देना और अपडेट पे क्लिक कर लेना। ठीक है, ये तो बाद में बोर्ड एग्जाम के होते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम के बाद में। इसी प्रकार आप सभी कक्षाओं के सेलेक्ट कर करके सभी के रोल नंबर अपडेट कर सकते हो। ठीक है साथियों, पहला काम तो ये है आपका। इसके बाद में रोल नंबर छटाना है, जैसे वो नंबर छटाने हैं प्रथम टेस्ट के चालू हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, परिणाम में जाना है, रिजल्ट में। रिजल्ट में जाने के बाद देखो तो इसमें ऑप्शन आ रहा है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टिया, तो इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ गए। देखो 24 25 के लिए आप इसमें कर देना रिजल्ट एंट्री 24 25, इस पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो 70 आ गया सेशन, क्लास जो भी आप कक्षा की चढ़ाना चाहो 6 7 8। ठीक है, जिसमें मैंने 8 की बात करूं, सेक्शन जो भी आपका सेक्शन है वो, पैटर्न। अब देखो इसमें सभी सब्जेक्ट आ गई, ऑल हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, ऑप्शनल थर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप जो भी करना चाहो, जैसे मान लो इंग्लिश का करना चाहते हैं तो इंग्लिश, और एग्जाम सेशन तो अभी फर्स्ट टेस्ट के ही तो चालू है, फर्स्ट टर्म एग्जाम, तो इस पे क्लिक कर लेना और 100 पे क्लिक कर लेना। ठीक है साथियों, जैसे क्लिक करोगे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका प्रोग्रेस करना पड़ेगा, आप अपने को रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था ना आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो करना है पहले। आपको इसमें आ रहा नहीं तो आपको क्या करना है, पहले परिणाम में जाके रिसेट करना है, परीक्षा परिणाम। ठीक है, परिणाम प्रविष्टिया, ये रहा रिजल्ट रीसेट डाटा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे सिलेक्ट फर्स्ट टर्म कक्षा सेशन 100। ठीक है, और इसमें देखो सभी विद्यार्थियों के नाम आ रहे हैं, ये एंट्री आ रही है पिछली कक्षा की और इस कक्षा की। तो पहले आपको क्या करना है, साइन इन स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, इस पे कर लेना। आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिजल्ट डाटा, इस पे क्लिक कर दोगे तो रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली। अब आप जाके देख सकते हो, अब आपके वहां नाम शो होने लग जाएंगे। तो सभी कक्षाओं के रीसेट करना और उसके बाद में परिणाम की एंट्री करना। ठीक है, तो देखो परिणाम में जाएंगे और परीक्षा परिणाम, वापस से रिजल्ट एंट्री। ठीक है, अब वापस सेलेक्ट करते हैं, देखो कक्षा 8 सेलेक्ट, सेशन पैटर्न वही, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहो आप, ऑल करना चाहो तो एक एक सब्जेक्ट का नाम सही रहेगा, फर्स्ट टर्म और 100। अब आप देख सकते हो इसमें आ गए हैं, नाम आ गए सभी के, और एच एम सी क्यू रिटर्न एग्जाम, जो भी रिटर्न एग्जाम आए वो मार्क्स एंट्री कर देना और सेव ऑल पे क्लिक कर लेना। ठीक है साथियों, और अगर सभी सब्जेक्ट के एक साथ देखना चाहो तो अब जिसे हिंदी है इसकी जगह आप क्या कर लेना, ऑल कर लेना और ऑल पे भी 100 पे क्लिक कर लेना। अब देखो सभी आ गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, SST, साइंस, सब्जेक्ट ऑप्शनल थर्ड। ठीक है, तो इसमें आप कर लेना और सेव ऑल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है साथियों, इस प्रकार साल दर्पण पे रिजल्ट अपडेट होना चालू हो गए। आशा है आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा सा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी प्रकार जो भी एजुकेशन संबंधित न्यूज़ है तो बिल्कुल सही समय पे और सही तरीके से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी अपडेट के साथ। बाय।